अविनाश, गुड मॉर्निंग। अविनाश, ओवर द वीकेंड जो क्यूज निकल के आ रहे हैं और आज सुबह भी, इंटरेस्टिंगली एसजीएक्स निफ्टी बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि भाई डाउ फ्यूचर्स ग्रीन में है। आप किस तरह देख रहे हैं इस समय एलिमेंट्स को आज सुबह? गुड मॉर्निंग अजय। आई थिंक क्लियरली अजय, मार्केट्स शायद एक दो और मैक्रो नंबर्स के तरफ देख रही है। जैसे कि सभी को पता है कि क्रूड की कीमतें बढ़ी है, तो गवर्नमेंट कब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाएगी, तो ये एक बड़ा मसला रहेगा। आई थिंक कहीं ना कहीं मार्केट में ओपिनियन है कि 6-7 रुपये का तो इंक्रीज आना ही है, तो शायद इसीलिए मार्केट्स थोड़ी सी कॉशियस है, क्योंकि इसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट तो काफ़ी सेक्टर्स पे आएगा। अभी भी क्रूड $108-$110 का लेवल पे है, तो इस लेवल पे मुझे लग रहा है कि जो कंज्यूमिंग सेक्टर्स है उनको डेफिनेटली मार्जिन प्रेशर देखने को पड़ेगा, तो ये शायद एक रीजन है। और दूसरी बात, फेड का जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है जो 16 तारीख को हमको पता चलेगा, 25 बेसिस पॉइंट्स तो मार्केट्स ने ऑलरेडी डिस्काउंट किया है, लेकिन अगर बाई चांस 50 बेसिस पॉइंट आता है तो डेफिनेटली ये नेगेटिव सरप्राइज रहेगा। और उसके बाद जो अप्रैल में हमारी आरबीआई पॉलिसी रहेगी, उस पर कहीं ना कहीं ऐसा ओपिनियन बन रहा है कि शायद इस बार हमारे यहाँ पे भी एक 25 बेसिस पॉइंट की हाइक आए, तो इस कारण से मुझे लग रहा है कि मार्केट्स अभी थोड़े से स्लो डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, बट ब्रॉड इंडेक्स लेवल पे शायद थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। राइट, ये जो दो स्टॉक्स आज सुबह से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एचडीएफसी बैंक जहाँ आरबीआई की मंजूरी आ गई है, और दूसरा मिस्टर पोटा का एग्जिट जुबिलेंट फूड में। अगर हम जुबिलेंट फूड की बात करें पर्टिकुलरली, तो वो ऑलरेडी लास्ट एक महीने से स्लिप करता हुआ नजर आ रहा है, 4000 वाला कुछ 2800 के आसपास हो गया। अविनाश, इन दोनों स्टॉक्स पे क्या व्यू है आपके? इनफैक्ट अजय, एज फार एज एचडीएफसी बैंक इज कंसर्न, मुझे लग रहा है कि आरबीआई ने सारे रिस्ट्रिक्शंस अभी हटा दिए गए हैं, अभी पूरी तरह से ये एग्रेसिवली डिजिटल बिजनेस में वापस उतरेंगे। मैनेजमेंट ने भी कहा है कि वो बहुत ही जल्दी और डिजिटल प्रोडक्ट्स अपने डिजिटल सूट में कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे, तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि इस सेगमेंट में काफ़ी हद तक थोड़ा सा मार्केट शेयर लॉस भी इनका हुआ था, जो पॉसिबली आने वाले साल में ये रिकवर करेंगे। तो मेरे ख्याल से इवन करंट लेवल्स पे अगर किसी को खरीदना है 1390-97 पे, तो मुझे लग रहा है कि 1550-1650 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है, तो ये डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट्स एज्यूम कर रहा है कि क्रेडिट ग्रोथ जो थोड़ा सा ढीला पड़ा था, एसेट क्वालिटी जो ढीली पड़ी थी, वो शायद FY23 में अच्छी होगी। रही बात जुबिलेंट फूडवर्क पे, तो स्टॉक वैसे भी एक्सपेंसिव है जय, और मुझे लग रहा है कि देखिए अगर आप क्यूएसआर स्पेस देखें तो काफ़ी नए कॉम्पिटिटर्स मार्केट में उतरे हैं, जैसे कि देवयानी इंटरनेशनल है, उसके बाद सफायर फूड्स है, तो मुझे लग रहा है कि ये सीईओ का इस्तीफा डेफिनेटली नेगेटिव सरप्राइज है, लेकिन वैसे भी स्टॉक काफ़ी एक्सपेंसिव था, तो मुझे लग रहा है कि अच्छे विकल्प अभी बाजार में अवेलेबल है, जैसे कि बर्गर किंग है, देवयानी इंटरनेशनल है, जो छोटे बेस पे काम कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। हालांकि जुबिलेंट भी बढ़ेगा, लेकिन इंक्रीमेंटल जो ग्रोथ है वो बड़े बेस पे शायद थोड़ा कम आएगा, तो ये एक कारण है कि स्टॉक में पिछले एक दो महीने से आपने देखा एक डाउनवर्ड ट्रेंड इन्वेस्टर्स ने देखा है। गुड मॉर्निंग मानसी, मुझे लग रहा है कि देखिए नायका का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत स्ट्रांग है। ओवरऑल मार्केट अपॉर्चुनिटी अगले 3-4 साल में करीबन 8 लाख करोड़ की है, तो ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक सेगमेंट में ये काफ़ी बड़ा प्लेयर है, बट मैं समझता हूँ कि अभी भी वैल्यूएशन सस्ते नहीं है। इनफैक्ट स्टॉक 2000 से काफ़ी घट चुका है। मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी और कमजोरी अगर आती है करीबन 1200 या 1150 के करीब, तो मेरे ख्याल से खरीदने के मौके बनेंगे। जो सिटी की रिपोर्ट है उन्होंने 25x EV/2 ग्रॉस प्रॉफिट का मल्टीपल लिया है, जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा महंगा है। कहीं ना कहीं ग्रोथ डेफिनेटली एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे आना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली इस बिजनेस पे पॉजिटिव हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इंतजार करूंगा, और मुझे लग रहा है निवेशकों को भी थोड़ा सा डिक्लाइन पे ये स्टॉक खरीदना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अगले 1.5-2 साल की अपॉर्चुनिटी अगर हम देखें तो बढ़िया रिटर्न यहाँ से भी आ सकते हैं, बट ओवरऑल प्राइस पॉइंट पे मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा एक्सपेंसिव है, सो बाय ऑन डिक्लाइन। पर फंडामेंटल्स मजबूत जरूर नजर आ सकते हैं, अनुमान यही एक्सपर्ट्स की तरफ से भी है, लेकिन गिरावट और गहराने दीजिए, उसके बाद एक बार एंट्री लेने के बारे में सोच सकते हैं। अविनाश जी, आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रेकमेंडेशंस भी हैं, वो भी बता दीजिए। मानसी, मैंने पहले तो अजय को एचडीएफसी बैंक बोला था, मुझे लग रहा है कि काफी समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद एचडीएफसी बैंक अभी वेल पोजिशन है। डिजिटल स्पेस में जिस प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस बैंक को थी वो अभी हटा दी गई है, मुझे लग रहा है कि FY23 इनके लिए बहुत तगड़ा ईयर होगा, और डिजिटल में तो वैसे भी ये एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, तो यहाँ से मैं समझता हूँ कि अराउंड 1650 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है अगले 12 से 15 महीने में।
और दूसरा जो स्टॉक हॉस्पिटल सेक्टर में हमको पसंद है वो फोर्टिस हेल्थ केयर है। काफी समय से ये स्टॉक 250-260 के रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। कंपनी ने बहुत ही शानदार नंबर्स क्वार्टर थ्री में दिखाए थे, कमेंट्री भी अच्छी थी, और हॉस्पिटल स्पेस में हमको लग रहा है कि काफी समय के बाद ऐसा लग रहा है कि स्पेशलिटी सेगमेंट जो हॉस्पिटल्स है उनका यू नो प्रोस्पेक्ट काफी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली इस लेवल पे एक्युमुलेट करना चाहिए। अगर साल भर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 325-330 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इनफैक्ट अजय, मुझे लग रहा है कि देखिए जो आउटसोर्सिंग सेगमेंट है मुझे लग रहा है कि अगले 1.5-2 साल के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी और अपॉर्चुनिटी काफी अट्रैक्टिव है, और डिक्सन ने तो कहा है कि वो पीएलआई स्कीम का भी फायदा लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि देखिए ये जो वीकनेस अभी स्टॉक में दिख रही है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो रहा है, इसका मौका यू नो इन्वेस्टर्स को उठाना चाहिए। हालांकि ये इतना सस्ता स्टॉक नहीं है, बट जिस प्रकार की ग्रोथ नंबर्स ये डिलीवर कर रहा है और जिस प्रकार का इनका डोमिनेंस है स्पेशली यू नो बड़े कस्टमर्स के साथ, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इस स्पेस में इंटरेस्ट रहेगा और अर्निंग्स ग्रोथ डेफिनेटली स्ट्रांग रहेगी। तो यहाँ पे मैं बाय ऑन डिक्लाइन या करंट प्राइस पे भी सुझाव रहूंगा कि थोड़ी सी क्वांटिटी इन्वेस्टर्स को उठानी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो हमको लग रहा है कि अगले 1.5-2 सालों के लिए ग्रोथ मोमेंटम बहुत स्ट्रांग रहेगा, और यहाँ पे इंडिया की जो कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ है वो इनके लिए काफी सिग्निफिकेंट प्रूव होगी। इनफैक्ट अजय, देखिए जो अनलॉकिंग थीम्स है जो अच्छी तरह से चलेगी, वहां पे हमको लग रहा है कि ये जो ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स है वहां पे इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए। हमको ये कंपनी इजी ट्रिप प्लानिंग बहुत पसंद है। हमको लग रहा है कि कंपनी के ऑपरेशंस बहुत ही प्रॉफिटेबल है। मेक माई ट्रिप के बाद ये नंबर 2 प्लेयर है। अभी कंपनी एक्स बोनस चल रही है, लेकिन इवन ऑन एक्स बोनस इक्विटी जो करीबन 44 करोड़ होगी बोनस के बाद, हमको लग रहा है कि इस साल कंपनी करीबन 105-110 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगी जो पिछले साल करीबन 60 करोड़ था। तो ऑब्वियसली 27 मार्च से यू नो जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी पॉसिबल होंगी, तो इससे इस कंपनी के बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिवली प्ले आउट होगा, क्योंकि करीबन 80% एविएशन सेक्टर से इनको बिजनेस आता है। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक को डेफिनेटली खरीदना चाहिए। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल है और प्रॉफिटेबिलिटी लेवल्स है, करीबन 325-330 का लेवल कंफर्टेबली पॉसिबल लग रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छा निवेश का मौका बन सकता है।